अच्छा लगता है। अगर किसी को गरीबी से बाहर निकालते हैं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? 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 मोदी को नहीं मिलेगा। ये जो 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं ना, वो जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पुण्य के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आपने वोट देकर मोदी को ये काम करने के लिए कहा था। और इसलिए इस पुण्य के सच्चे अधिकारी आप हैं। आज 80 करोड़ देशवासियों को उनकी थाली भरी हुई रहती है, उनका चूल्हा जलता रहता है, उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, इसका पुण्य किसको मिलता है? आपको मिलता है। आपने मोदी को वोट देकर के ये पुण्य कार्य करने के लिए भेजा है। साथियों, जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका सीधा लाभ भगवान विट्ठल की इस धरती को भी हो रहा है। यहां पालखी मार्ग हो, रेलवे का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, ऐसे हर काम पर महायुति की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की जनता जब प्यार देती है, जब आशीर्वाद देती है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महाराष्ट्र की जनता उसे भी बराबर याद रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? और हिसाब बराबर समय आने पर चुकता करती है कि नहीं करती है? अब देखिए, 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने के लिए आए थे। कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? पानी पहुंचाया क्या? याद है ना? याद है ना? अब उनको सजा देने का समय आ गया है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है। कांग्रेस को 60 साल तक देश ने राज करने का हक दिया, काम करने का मौका दिया।
60 साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए हैं।